घटना तो उधर से चार बुद्ध चार ही माते को संतुष्ट के सवाल अंदर के यहाँ के लिए तो कोड़ी को काया बांधन को पुत्र मोहन को माया पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लघुन के भोग लगे संत करे सेवा दिनन को लाज रखो संभुष्ट तवारी कामना को पूरा करो जय के बलिहार जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता गुरु पार्वती पिता महादेव चार फल भक्षण उमा शोक शोक विनाश कार्यक्रम नमामि बिलेश्वर पंगलम्बु जन्माशय कमलम सीता समारोह पितामह भगवान पूर्ण महासागर चरु चापो नमामि राम रघुनाथम तुम्हें माता चक्षा तुम्हें तुम्हें बंधु चक्षा तुम्हें तुम्हें विद्या ग्रहण तुम्हें तुम्हें स्वर्ग मम देव देव अरे अंदर पैकेट है सर तो वो मुंह नहीं लगाना चाहिए क्या कर रहे हैं ना पूजा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं भैया चलो जो अशुद्ध थी वो गिर गई उसको मत मिलाओ दांत से नहीं काटा फिलहाल भगवान तो सबको माफ कर दे मैं जानना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में कि किस तरह की भूमिका आपकी और क्या पृष्ठभूमि है क्या कहानी है इस फिल्म की इस फिल्म की कहानी एक्चुअली इसका नाम है इश्कबाजियाँ हाँ जिसे आप ये शो आप जान सकते हो इश्कबाजियाँ का इट मीन्स इश्क का इसमें बाजी है मतलब वो सब इश्क के लिए लड़ते हैं ऐसा कुछ है स्टोरी इसकी और इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इश्क का बाजी जीतता कौन है दिस इज द सस्पेंस थ्रिलर इससे पहले बताइए जो कुछ अपने काम किए थे और क्या करना चाहेंगे कैसा अनुभव रहा अब तक का आपका जो अभिनय का सफ़र है उसके बारे में बताइए अब तक का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा मैंने काफ़ी काम किया था काफ़ी सीरियल मैंने की फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली फिल्म भोजपुरी ही थी देन मैं इंट्रोड्यूस हुआ था मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में देन फिर बीच में मैंने सीरियल करने लगा था काफ़ी सीरियल किया मैंने ऐड किया यशराज के साथ भी मैं छोटा सा काम किया था वो हमारी आपको छोटा छोटा काम बहुत सारा है बहुत सारी फिल्मों में साउथ की फिल्मों में मैंने किया है और अभी एक हमारी दो फिल्में हैं एक प्रॉब्लम्स करके हिंदी फिल्म में है देन ये इश्कबाजियाँ हैं तो जी बताइए कि क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा काम किया है कैसा मतलब कितना ज़्यादा आत्मविश्वास आ रहा है और आगे चल के क्या करने वाले हैं जी मुझे बहुत आत्मविश्वास है अपने आप पे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकते हम लेकिन कॉन्फिडेंट है कोशिश हम करते हैं बाद बाकी महादेव की कृपा है वो उनको वो गॉड फादर है हमारे वो उन्हीं के माइंड से प्रेरणा मुझे मिलती है दिस इज द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर देव है वो जो है और इस प्रोजेक्ट के अलावा और कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जी हमारे साथ अभी दो प्रोजेक्ट है ये एक प्रॉब्लम्स है जो हमारे अभी रिलीज होने वाली है इश्कबाजियाँ हैं देन एक थर्ड प्रोजेक्ट है जो अभी हम आपको प्रोडक्शन नंबर 3 करके उसका अभी होने वाला है बट हम अभी आपको सीक्रेट रहने दीजिए उसको तो अच्छा रहेगा जी कैसे जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से किस तरह का किरदार निभा रहे हैं जी नमस्कार मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह काश्यप है तो ओम प्रकाश जी कैसे जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से और क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा उत्साहित है इस प्रोजेक्ट को लेकर इस प्रोजेक्ट को लेकर हम चाहेंगे कि जी जान लगाकर काम करें कि प्रोजेक्ट के काफ़ी फायदे हो और इस फिल्म का नाम है इश्कबाजियाँ इस फिल्म में हम देखते हैं कि मैं इसका बाजी जीतता हूँ या कौन जीतते हैं अच्छा आपसे ये जानना चाहूँगा आपका जो ये मूंछ है इतना ज़्यादा मतलब आपका जो ये कितना ज़्यादा काम है आपके एक्टिंग करियर में कितना ज़्यादा आपको रोल ऑफर मिलने में आपका जो है ना मदद हुआ ये कहना चाहूँगा मेरी मूंछ की लंबाई 26 इंच है 26 इंच है जी मैं बिहार का रहने वाला हूँ कहाँ के हैं बिहार के बिहार पटना से हूँ पटना से अच्छा। जी तो कब से इस इंडस्ट्री में और कितना संतुष्ट है अपने करियर को लेकर कितनी पहचान है वहाँ बिहार में आपकी हो पटना में मैं
वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ गंगा की धारा बहती है, मेरी ही धरती वीरों की खान है, उसी मिट्टी से निकले बाबू वीर कुंवर सिंह महान है, जो ने अंग्रेजों को छक्का छुड़ाए दोनों हाथ गंगा को दिया बलिदान है, क्या बात है। उसी मिट्टी का राजा श्री हुए जो कृष्ण और अर्जुन को अभिमान तोड़े थे, उसी धरती का आज भी सपूत जिंदा है जिसका डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह नाम है, माता तो मो तीसरा काश्यप बापू रामदास सिंह पुलिस वाले महान हैं, मैं रहने वाला हूँ आरा गांव मेरा देवरी पोस्ट बसंतपुर, मैं रहने वाला हूँ जिला आरा भोजपुर। आपसे आपका नाम बताइए, विश्वनाथ कुमार। हाँ, कैसे जुड़े स्पिरिट से बताइए। वैसे वो हम अभी घूमने पहली बार आए हैं मुंबई। ओके। हाँ जी, ये इसके बाजिया जो फिल्म है लव स्टोरी फिल्म है। अच्छा। हाँ जी, ऐसे पहले क्या करते थे आप? हम अभी अमृतसर में रह रहे हैं। अमृतसर में रहते हैं जी। अभी अभी एक मेरा और एक अभी 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 हम एक सीरियल कर रहे हैं, जो सीरियल का नाम है बीटी बिजनेस वाली। क्या बात है। उसमें विलन का राइट हैंड का करेक्टर मेरा है, मेन विलन का नहीं है। और दूसरा सीरियल है दबंग रिपोर्टर, उसमें मेन विलन का करेक्टर मैं कर रहा हूँ, जिसमें ठाकुर जगन्नाथ प्रसाद सिंह उसमें दबंग रिपोर्टर में मेन विलन का नाम है, और इसमें जटा नाम है, शिव राजपूत हैं दबंग रिपोर्टर। थैंक यू। आज के बारे में जो कौन सा गाना है, क्या सिचुएशन और क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर? अभी गाने के बारे में तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी नया सॉन्ग है और मुहूर्त के लिए स्टार्ट हो रहा है, तो इतना आइडिया मेरे को नहीं है। कुछ अपने बारे में बताइए, कब से आप इस लाइन में हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं इस लाइन में भोजपुरी इंडस्ट्री एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से नहीं हूँ, बट म्यूजिक में मैं 15 ईयर्स से हूँ। क्लासिकल एंड लाइट दोनों की ट्रेनिंग ली हुई है मैंने, और अभी मैं मतलब काफ़ी सारे शोज से भी कर रही हूँ, लाइक इंडियन आइडल में अभी मैं टॉप 20 हूँ इस टाइम पे। सो ऐसे और इससे पहले क्या एल्बम के बारे में बताइए, कोई फेमस एल्बम? एक्चुअली अभी कोई ऐसा एल्बम नहीं किया है फिलहाल, बट ऐसे यूट्यूब के लिए अपलोड किए हैं मैंने अपने सॉन्ग्स। तो क्या इंटरेस्ट है, हिंदी भोजपुरी? नहीं, मेरे को हिंदी ज़्यादा इंटरेस्ट। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं इलाहाबाद की। आपसे जानना चाहूँगा जी कि आपके करियर के बारे में बताइए और बताइए इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना उत्साहित है। नमस्कार, मनोज तिवारी। अभी ये फिल्म इश्क बाजियां का म्यूज़िक मैं कर रहा हूँ, और आज एक मेलोडी सॉन्ग का रिकॉर्डिंग है। हालांकि ये कंपोजिशन लाइन अभी आने वाले, मतलब म्यूजिक आया नहीं है, तो अभी डब करेंगे हम लोग। और टोटल इस फिल्म में 8 या 9 सॉन्ग हैं, इसमें 2 आइटम सॉन्ग है और मतलब ये टाइप के सॉन्ग है इसमें। तो अपने करियर के लिए बताइए कि कब से काम कर रहे हैं, अपने उपलब्धि क्या किया अभी तक और क्या करना चाहेंगे आगे, क्या करने वाले हैं? अभी तो मेरी 3-4 फिल्में रिलीज है, जिसमें खाकी वर्दी वाला विराज भट्ट की, बेटवा बाहुबली पार्ट 2, अजय दीक्षित जी की अभी लेटेस्ट फिल्म आ रही है लव के लिए कुछ भी करेगा, विशाल सिंह हीरो हैं। अभी एक फिल्म चल रही है चैंपियन रवि जी की, और भी एक 2 फिल्में हैं जो आ रही है, जिसमें कि बबुल की दुल्हनिया है, एक है दिल इश्क जहर, ये सब फिल्में भी लाइन से हैं। और क्या इंटरेस्ट है, मतलब गाने के अलावा और कुछ ऐसा रुचि है अभिनय? म्यूजिक के साथ साथ सिंगिंग, यही मेरा मतलब यही दोनों चल रहा है जी। पीछे वाले छुप रहे हैं, ठीक उनको पीछे और ऐसा आप आ जाइए। नहीं, यहाँ पर जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा नहीं। आप लोग